शुरुआत तो हमेशा छोटे से होती है। हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम नहीं कर सकते, तब तो हम नहीं कर पाएंगे। सुनिए बायोग्राफी भी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी जो है गुलजार साहब ने, गुलजार साहब की आवाज में सुनना। नहीं मत करना है, ये छिपे के तरह फिर और जिंदगी में उतारने की कोशिश करना थोड़ा। कुछ भी अगर 2-5 ग्राम भी समझ में आए तो है। अगली आवाज गुलजार साहब की। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उंगली लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाह से हो जाए यार थोड़ा बहुत है। इसमें काम की चीज एक तुम्हारे लिए थी। नहीं नहीं, कोई भी इंसान छोटा है बड़ा नहीं होता, इरादे हैं भाई जो आपको छोटा और बड़ा बनाते हैं। वो नीयत है जो आपके दिलों में छिपी हुई है जो आपको छोटा और बड़ा बनाती है। अरे तो ठानने की बात है भाई कि हमें कितना बड़ा करना है। शुरुआत तो हमेशा छोटे से होती है। हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम नहीं कर सकते, तब तो हम नहीं कर पाएंगे, तब तो डिस्कशन ही समाप्त हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम करना नहीं चाहते, बस दिक्कत यही है कि हम करना नहीं चाहते और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हम कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। हम हमेशा हर काम को करने के लिए साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं, यार हमें कोई मिले और हमें वहां तक लेके जाए। क्यों यार,
कौन सी चीजें जो आप अकेले नहीं कर सकते? आपको भगवान ने इस दुनिया में उतारा, आपको आपकी खुद की सांसें दी, दूसरे से मांग के थोड़ी सांसें लेते हो। आपने जीने के लिए सारे काम कर रहे हो खुद, लेकिन एक सफल आदमी बनने के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हमें साथी की जरूरत है। पता नहीं उस क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास तो है एक गाइड, तुम्हारा टीचर, उसकी बात सुन के तो कम से कम आगे बढ़ो। तुम्हारे पास तो गाइड है भाई, गाइड ही तो टीचर और क्या है। टीचर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक गाइड और एक फैसिलिटेटर बन के आया है। फैसिलिटेटर